नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैं मेहरबान सिंह पटेल, दानिश नगर रहवासी कल्याण समिति का अध्यक्ष हूं। पटेल साहब, आज आपने मीडिया को याद किया है, क्या विशेष कारण है, किस बिंदु को लेकर याद किया? इस दानिश नगर कॉलोनी में 600 मकान हैं। 600 मकान वालों का कहना है कि हमको नर्मदा जल चाहिए। नर्मदा जल की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि हम घर घर हमने घर घर जाकर भी संपर्क किया सब नर्मदा जल के लिए, और हमारा अनुरोध है कि नर्मदा जल ही सबसे महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश सरकार तमाम दावे करती है कि जल घर घर पहुंच चुका है, और लगातार इसमें चुनावी मुद्दा भी बनाया जाता है पानी को लेके, और राजधानी भोपाल में इस वक्त हम हैं, और नर्मदा जल की एक महत्वपूर्ण इस वोट बैंक पे एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपका कहना है नर्मदा जल आपकी कॉलोनी में नहीं पहुंचा? नहीं आया, दानिश नगर में नर्मदा जल नहीं आया। तो आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि, विधायक या किसी पार्षद या किसी महापौर से संपर्क किया इस संबंध में? नहीं, एक दो बार किया है ना संपर्क किया। क्या कहना है उनका? नहीं, उन्होंने बोला था कि हमको आश्वासन दिया है कि नर्मदा जल आ जाएगा जल्द। वर्तमान में जिस प्रकार से फीडबैक मिल रहा है, कॉलोनी में लोगों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पानी की समस्या है। तो एक्चुअल में पानी की समस्या? पानी की समस्या, बहुत समस्या है, पानी की समस्या है, पानी की बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। बोर वगैरह भी यहाँ पे नहीं है? नहीं, बोर वगैरह है मगर गर्मियों में चलते नहीं है। वाटर बिल बहुत नीचे, गर्मियों में बहुत दिक्कत। लोग बाहर टैंक डलवाते हैं, टैंकर से पानी लेते हैं। देखने में आता है पेयजल के लिए भी लोगों ने गाड़ियां लगा रखी हैं, और कैंपर वगैरह से पानी आता है। आता है ना, कैंपर से आता है, गाड़ी लगा रखी है, और गर्मियों में हर एक दिन छोड़कर टैंक डलवाते हैं प्राइवेट। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ पर लोगों का जो जल को लेकर समस्या है? आप एक मतदान के द्वारा आपको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मेरा कहना तो ये है कि सरकार से कि हम लोगों को पानी मिल जाए, नर्मदा जल। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, और जिस प्रकार से विधायक तमाम दावे कर रहे हैं और अपनी सफलताओं को लेकर आ रहे हैं, वर्तमान में जो विधायक है कई वर्षों से यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है, तो क्या उनसे भी आपने संपर्क किया और आश्वासन सही नहीं मिला क्या? नहीं, उनसे संपर्क किया है, वो नहीं बोला है कि पानी आएगा, क्या नर्मदा जल आएगा, विधायक जी ने बोला है। अगर जैसे नहीं आ पाता है चुनाव के पूर्व, कोई मजबूत आश्वासन आपको नहीं मिल पाता है, तो आगामी रणनीति क्या होगी आपकी कॉलोनी की? क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? नहीं, चुनाव का बहिष्कार नहीं, वो तो जो जल्द का बोला है तो आएगा जल्द। तो उनका किसी पार्टी विशेष का बहिष्कार करेंगे कि अगर आपको जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है, तमाम यहाँ पे घर हैं जो टैक्स अदा करते हैं, टैक्स देने के बाद भी अगर जल नहीं मिल पा रहा है तो? नहीं नहीं, वो तो क्योंकि देखो जैसे विधायक जी ने बोला है, रोड का बोला, रोड बनवा दिया। अच्छा, पानी का बोला भी नहीं, पानी भी हम नर्मदा जल करवा देंगे। जैसे बगल की कॉलोनी है रजत विहार, उसमें आता नर्मदा जल। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर भी चुनाव के बाद भी या चुनाव से पहले नर्मदा जल आने की संभावना है? नहीं, संभावना है आने की। विधायक महोदय ने बोला है हमसे, आश्वासन दिया है। आपका परिचय? मैं NP ठाकुर, पूरा नाम मेरा नर्मदा प्रसाद ठाकुर है, और मैं एक राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हूँ, और इस दानिश नगर रहवासी कल्याण समिति का कोषाध्यक्ष भी हूँ। मतलब जिस प्रकार से देखा जा रहा है यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ नल जल योजना जो है उसका भी लाभ नहीं मिला है, और नर्मदा जल का भी लाभ नहीं मिल रहा है, क्या सत्यता है इसमें? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने कम से कम हमारा पहल किया, और हमारी कॉलोनी में हमारी समस्याओं के बारे में आपने जो पहल किया, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कॉलोनी को विकसित हुए कम से कम तो 20 से 25 साल करीब हो गए हैं, वो 20 से 25 साल है, और पूरी कॉलोनी में सब अच्छे गणमान्य लोग रहते हैं, गांव से लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने आए और अच्छे तरीके से मतलब निवास कर रहे हैं। मगर पानी की समस्या यहाँ पे क्या है कि पूरी लाइन यहाँ से जैसे कि मान लो कटारा हिल्स तरफ निकल गई है, दानिश नगर से बिल्कुल लगी हुई कॉलोनी से पाइपलाइन निकल चुकी है, मगर नर्मदा जल से दानिश नगर कॉलोनी आज भी वंचित है। हम लोग बिल्कुल है, मैं कागज़ के माध्यम से आवेदन दे रहे हैं, CM साहब को भी हम लोगों ने निवेदन किया है, विधायक महोदय से भी निवेदन किया है, महापौर महोदय से भी मैच किया है, आयुक्त महोदय, नगर निगम से भी हम लोगों ने निवेदन किया है पत्र के माध्यम से
कि इस कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या है, इसलिए कम से कम नर्मदा जल के माध्यम से हम लोगों को घर घर पेयजल की व्यवस्था हो ताकि हम स्वच्छ पानी पी सकें। सरकार का एक बड़ा दावा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है, जल को लेकर संकट है और एक पॉश कॉलोनी जहां पर टैक्स भरपूरी से दिया जाता है, उसके बाद भी ऐसी समस्या है। नहीं देखिए, टैक्स क्या है कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दानिश नगर कॉलोनी है अभी नगर निगम में हस्तांतरण नहीं हुई है, नगर निगम में विलय नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये भी कोई कारण हो, तो इसके भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे से जो पूर्व के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है, हम लोग भी उनकी पद चिन्हों पर चलते हुए प्रयास कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है सीएम साहब से, आयुक्त अपने विधायक महोदया जी से और आयुक्त नगर निगम से कि हम लोगों के बाकायदा हमारे आवेदन पर बिल्कुल गौर करेंगे और दानिश नगर रहवासी जो है उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। आश्वासन विधायक महोदय के द्वारा दिया गया, वो कब दिया गया था? देखिए उसमें क्या है कि कुछ विसंगतियाँ हो सकती हैं, अब इसको डिटेल में तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि हम लोगों का जो प्रयास चल रहा है दानिश हाउसिंग सोसाइटी से भी चल रहा है कि भैया इसमें मतलब यदि कोई क्या कारण है कि जब छोटी छोटी कॉलोनियों को नर्मदा जल मिल रहा है तो इतनी बड़ी कॉलोनी को नर्मदा जल से वंचित क्यों रखा जा रहा है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हम अपने गहराई तक जाएं और जो भी शासन के और हमारे दानिश नगर के बीच में जो आपत्तियां हैं उनको आपस में बैठ कर और या पत्र के माध्यम से या कोई है उसको सॉल्व करें। और कितने रहवासी इस कॉलोनी में रहते हैं? तीन और डी सेक्टर में बटा हुआ है जी, D1 D2 D3 और इसमें कम से कम तो 500 से 600 मकान के करीब इसमें परिवार निवास रहते हैं। तो सभी मतदाता हैं यहाँ पर? सभी मतदाता हैं यहाँ पर, सभी मतदाता डालते हैं, वोट डालते हैं। नगर निगम चुनाव हाल ही में संपन्न हुए थे और एक वर्ष हो चुका है उसको, उसके बाद भी अगर महापौर ने शुद्ध नहीं लिए तो आप एक बड़ा कारण नहीं मानते? नहीं, कारण तो बड़ा मानते हैं कि इतनी बड़ी कॉलोनी में मतलब पेयजल की व्यवस्था जो होना जरूरी है, छोटी छोटी कॉलोनी होगा, मगर हम किसी को दोष इसलिए भी नहीं दे सकते, हो सकता है कोई विसंगतियाँ हैं उसके लिए महापौर महोदय को भी अब है। नहीं नहीं ऐसा भी अपन देखिए, मैंने पहले चीज़ बोली कि अपन किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, हमारा तो एक ही लक्ष्य है किसी के भी माध्यम से है कि जब सभी को नर्मदा जल का मतलब प्रदाय किया जा चुका है सभी कॉलोनियों में तो इस कॉलोनी को भी दिया जाए और जो भी विसंगतियाँ मैंने जैसे पहले आपसे बोला कि आपस में मिलकर उनसे मैं शासन के और अपने बीच में जो विसंगतियाँ हैं उनका पूरा हम प्रयास करेंगे कि भाई कैसे भी हो कि यदि हम लोगों में यदि कोई ऐसी चीज़ है कि हो सकता है कि रहवासियों के कारण कोई विसंगति है तो उसको भी बैठ के हम लोगों ने भी एक बैठक रखी थी, बीच में बैठक रखी थी, आमसभा भी रखी थी, उसमें सभी दानिश नगर रहवासियों को हमने एकत्रित भी किया था हैं और उसमें जो चीज़ का बिंदु उठाया था तो जो भी विसंगतियाँ होंगी हम लोग भी उसमें कंधे से कंधा मिला के और आपस में बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले या आगामी विधानसभा चुनाव के बाद में इसका समस्या का समाधान? नहीं देखिए, हम लोगों को क्या है कि मैं शासन से प्रशासन से और अपने पूरा आश्वासन हम लोगों को मिल चुका है, हम लोगों की मतलब मध्य में चर्चा भी हुई है, उच्च अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, विधायक महोदया से भी चर्चा हुई है, उनके द्वारा हम लोगों को ये पूरा आश्वासन दिया है कि अपन इसका कोई किसी भी तरीके से समस्या का हल निकालेंगे और नर्मदा पेयजल की व्यवस्था होगी। बहुत बहुत यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24 × 7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।